नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मॉक टेस्ट होने वाला है राजस्थान पुलिस भर्ती पार्ट बी के अंदर, वो है भारत के जिले। दोस्तों, यहाँ से अगर प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो इसी मॉक टेस्ट दे दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको पूरा टॉपिक पढ़ने की कोई भी दोस्तों आवश्यकता नहीं है। अगर ये क्वेश्चन लगा लेते तो आपका टॉपिक भारत के जिले कम्प्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो लाइक कर देना, शेयर मार देना सभी जगह। और पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, अभी जाके ज्वाइन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं भारत के जिले। तो दोस्तों, एक ज़िद है हमारी सरकारी नौकरी की, इस बार हमें वर्दी पहननी है दोस्तों। और ये जो मॉक टेस्ट है, ये 6 नंबर मॉक टेस्ट है। वर्दी आपके सीने पर होगी इस वक्त दोस्तों, आप बेहतर तरीके से तैयारी करें। पार्ट बी की मैं आपको करवा रहा हूँ मॉक टेस्ट, और पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों आ चुका है। क्या होगा ऑप्शन में आपको दे रखे हैं। चलिए, निम्न में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, बताइए फटाफट। शिमला, सिक्किम, माथेरन, नैनीताल, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट में दोस्तों आंसर दीजिएगा। शिमला होगा, सिक्किम होगा, माथेरन या नैनीताल होगा। लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है भारत में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखें। इस द करेक्ट आंसर दोस्तों आपका नैनीताल हो जाएगा। यहाँ पर अच्छी खासी झीलें हैं दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। कयाल क्या है, गंगा डेल्टा है, केरल के लेगूर है, दक्कन पठार का रेगेड है, या तराई का मैदान है, क्या है दोस्तों। आंसर दीजिए कमेंट के अंदर फटाफट। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों केरल के लेगूर है, ठीक है। इज द बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। नागिन झील किस राज्य में स्थित है, नागिन झील है वो किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तराखंड, बताइए फटाफट आंसर दीजिएगा। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर नागिन झील स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर है, इसमें इनमें से कौन सी भारत के पश्चिम, चिल्का, पुलिकट और अष्टमुदी, और एक ऑप्शन और नीचे कोलेरू, ठीक है। याद रखें 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए फटाफट भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी स्थित है, आंसर दीजिएगा कमेंट के अंदर। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर आपका अष्टमुदी, ठीक है। इनमें से बताना था आपको, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, बताइए इनमें से कौन सी एक है कृत्रिम झील है। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे दोस्तों यहाँ पर, कोलेरू, रेणुका, नैनीताल, कोडाईनाल, बताइए आंसर बताइए फटाफट इसका दोस्तों। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, फटाफट इस क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर, कोडाईनाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के प्रश्न आपको दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा दोस्तों, है मत कर देना, नहीं है। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो दोस्तों यहाँ पर। सांबर झील राजस्थान में, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लोनार झील मध्य प्रदेश में है, और एक ऑप्शन और है, चिल्का झील उड़ीसा में है। तो दोस्तों ये तो सही है बिल्कुल, यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा के अंदर, ये तो 4th ऑप्शन सही है। सांभर आपको पता है राजस्थान में, ये भी सही है दोस्तों यहाँ पर। और आप कहेंगे कोलेरू झील भी दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, लेकिन लोनार झील दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसके नहीं पूछा था, सुमेलित नहीं है। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, हुसैन सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, बताइए फटाफट आंसर दीजिए कमेंट के अंदर। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील, हैदराबाद आपको पता है तेलंगाना के अंदर आता है ना, याद रखना। तो हुसैन सागर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सा एक लेगून झील नहीं है, निम्न में से कौन सा एक लेगून झील नहीं है, चिल्का झील, पेरियार झील, 2 ऑप्शन और है, पुलकित झील, अष्टमुदी झील, क्या होगा इज द करेक्ट आंसर दोस्तों आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने। इज द करेक्ट आंसर मैं ही बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकटक है क्या है भैया, झील है, नदी है, घाटी है, पर्वतमाला है, क्या है लोकटक, अच्छा प्रश्न बन सकता है दोस्तों ये।
झील का टॉपिक चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए, झील ही होगा दोस्तों, याद रखें इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिक्षा अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। भारत के विशालतम लेगुन निम्न में से कौन सा है, भारत का विशालतम लेगुन है वो निम्न में से कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी आंसर ऑप्शन दीजिए, चिल्का, पुलकित, कोलेरु, बेबानाथ, क्या आंसर होगा दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन का। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा चिल्का, जो कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ, अगला प्रश्न आपके सामने है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, चंबल, नर्मदा, कोशी, गंगा, क्या आंसर होगा इसका, कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट। तो दोस्तों इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका चंबल, चंबल नदी के ऊपर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोलेरु झील किस राज्य में स्थित है। सारे प्रश्न दोस्तों आ जाएंगे, चिंता मत करें आप, सभी तरह के प्रश्न हैं इसमें, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, क्या होगा आंसर फटाफट दीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा फटाफट। तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में कोलेरु झील दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर वेम्बनाद झील किस राज्य में स्थित है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, क्या आंसर होगा दोस्तों इसका, इज द करेक्ट आंसर दोस्तों केरल हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं इसके साथ, अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर किस राज्य में स्थित है। तो मुझे आंसर देने की शायद आवश्यकता नहीं है, इस प्रश्न का आंसर आपको बता राजस्थान ही होगा, ठीक है, सांबर कहाँ पर, राजस्थान में। अगला प्रश्न, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बताइए फटाफट। तो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है। तो ये भी शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, जब भी वुलर झील का कई बार प्रश्न बनता है तो जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन वहाँ सही हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखें वुलर झील से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लेगुन झील चिल्का किस राज्य में है। तो चिल्का का जैसे ही नाम आता है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, क्या ऑप्शन होगा दोस्तों फटाफट बताइएगा। तो ओडिशा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुझे टिक करने के दोस्तों यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं, चिल्का इन ओडिशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है, उमियम झील, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, क्या आंसर होगा फटाफट दीजिए बेटा, इज द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर मेघालय हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लेकटक किस राज्य में स्थित है। लेकटक झील है उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है वो किस राज्य में, मणिपुर में है। चलिए ऑप्शन देखिए, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, क्या ऑप्शन सही होगा फटाफट दीजिएगा आंसर, मणिपुर में दोस्तों, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। चलिए और अपना लास्ट फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है, सही करना है इसे, भारत की मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताने की आवश्यकता ही दोस्तों, मैंने कहा था वुलर झील से कई तरह के प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्न मैंने इंक्लूड किए, इज द करेक्ट आंसर दोस्तों वुलर झील आपका हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर प्रश्न बनता है झील से तो दोस्तों यहीं से बनेगा आपका, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पूरा टॉपिक डिस्कस ही ना करें आप, ये क्वेश्चन लगा लेते हो ना तो समझ लो आपका क्वेश्चन बन गया। तो कैसा लगे क्वेश्चन, कितने सही आपने किए, कितने गलत किए, कमेंट करके जरूर आंसर देना। चलिए कल सुबह फिर मुलाकात होती है एक और मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।